अभिनेता सुशांत सिंह की मौत के मामले में कई लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इसके लिए इनकार कर दिया। महाराष्ट्र सरकार के सीबीआई जांच से इनकार करने के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया था, लेकिन अब वहां से भी मायूसी ही मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच की मांग करने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट का कहना है कि पुलिस को उनका काम करने दिया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता अलख प्रिया का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा है कि बॉम्बे हाई कोर्ट जाएं। इस मामले में अब मुंबई पुलिस के साथ ही बिहार पुलिस भी जांच में जुट गई है। हाल ही में सुशांत की बहन मीतू सिंह और उनके दोस्त कृष्णा शेट्टी के बयान भी दर्ज हुए हैं। मीतू सिंह ने कहा कि रिया ने सुशांत को पूरी तरह से कंट्रोल में कर लिया था, भूत प्रेत की कहानी सुनाकर उनका घर भी बदल दिया था। इसके बाद बिहार पुलिस ने फैसला किया है कि वे सुशांत का बैंक अकाउंट उसके बारे में जानकारी निकालेंगे और साथ ही उन डॉक्टरों से भी बिहार पुलिस पूछताछ करेगी जिन्होंने सुशांत का इलाज किया था। सुशांत के पिता का कहना है कि मुंबई पुलिस ने अब तक सुशांत से जुड़े लोगों से बात नहीं की है, वे बस इंडस्ट्री के बड़े लोगों को बुलाकर पूछताछ कर रही है। सबसे दुख की बात यह है कि 40 से 45 दिन हो गए, बड़े लोगों से घंटे तक पूछताछ की जा रही है, पता नहीं वे क्या पूछ रही हैं। फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज्म था भी तो वे अपराध की धारा में नहीं आता। बुधवार को ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सीबीआई जांच से इनकार किया था। इसके पहले महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख भी ऐसा ही बयान दे चुके हैं। सुशांत के पिता ने रिया चक्रवर्ती पर भी कई आरोप लगाए। उनका कहना है कि रिया सुशांत के पैसे लेकर भाग गई और इसके साथ ही उन पर दबाव बना रही थी कि वे उनके साथ काम करें और उनकी बात माने, नहीं तो वे दुनिया के सामने उनकी मेडिकल रिपोर्ट बता देगी।